27 सितंबर 2024 इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हवाई हमला किया। इस हमले में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला समेत कई बड़े कमांडर मारे जाते हैं और हिजबुल्ला की मौत के बाद इजरायली फौज ने लेबनान पर जमीनी हमला कर दिया और अब IDF दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में हिजबुल्ला के ठिकानों का सफाया करने में लगी है। लेकिन नसरल्ला के जाने के बावजूद हिजबुल्ला के लड़ाकों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि अब वो गोरिल्ला स्टाइल में IDF के ऊपर टूट पड़े हैं। दरअसल 10 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला के साथ भिड़ंत में IDF को बहुत बड़ा झटका लगा। खुद इजरायली मीडिया ने इस बात की पुष्टि की कि पिछले 24 घंटों के भीतर हिजबुल्ला के साथ लड़ाई में IDF के 38 जवान घायल हुए और अब इनमें से एक और सैनिक की मौत हो गई है। इजरायली न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि एलॉन ब्रिगेड की 5030वीं बटालियन के एक घायल रिजर्व सैनिक की मौत हो गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक IDF का ये 12वां सैनिक था जिसकी लेबनान पर जमीनी हमले में जान चली गई। और इन सब के बीच हिजबुल्ला IDF को झटके पे झटके दे रहा है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कई जगहों पर घुसपैठ कर रही इजरायली सेना को पीछे खदेड़ दिया और इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को पहले तो हिजबुल्ला के लड़ाकों ने IDF की आवाजाही पर नजर रखी और फिर रास अल नकूरा में IDF के टैंकों और काफिले पर गाइडेड मिसाइल फायर कर दी और इस हमले में घायल हुए सैनिकों को जब IDF की टीम वहां रेस्क्यू करने पहुंची तो हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उस पर भी अटैक कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने किरियत शिमोना सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का एक बड़ा जत्था फायर किया और इस दौरान बीठरेल के अल मर्ज साइट और मयान बारूच पर ताबड़तोड़ बमबारी की। हिजबुल्ला के मुताबिक मयस अल जबल के अल मजदाल हिल में IDF के काफिले पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया गया और इसके करीब एक घंटे बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने खिल्लत अल शंदीबा और पश्चिमी अल मनारा गेट के पास इजरायली सैनिकों की पोजीशन पर एक रॉकेट का जत्था फायर किया। इसके अलावा हिजबुल्ला ने पूर्वी सेक्टर में हमले का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ाके IDF से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पहले हिजबुल्ला के लड़ाके IDF के मूवमेंट की निगरानी करते हैं और जैसे ही IDF के जवान उनके रडार पर आते हैं वैसे ही उनके ऊपर मिसाइल और रॉकेट फायर किए जाते हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने ऐसा ही एक और वीडियो रिलीज किया है। हालांकि हिजबुल्ला ने ये नहीं बताया कि ये वीडियो कहां का है, लेकिन इस वीडियो में इजरायली सैनिकों का एक काफिला दिख रहा है जो लेबनान में मौजूद है और जैसे ही ये सैनिक एक घर के सामने आते हैं वैसे ही उनके ऊपर एक रॉकेट आकर गिरता है जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। आपको बता दें कि जिस वक्त हिजबुल्ला के लड़ाके IDF पर हमला कर रहे थे उसी वक्त इजरायली सेना भी जवाबी हमला कर रही थी, लेकिन इस बार IDF ने नकूरा में संयुक्त राष्ट्र के इंतरिम फोर्स पर ही हमला कर दिया। यह हमला उस जगह हुआ जहां पर इटली के सैनिक मौजूद थे और इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायली अटैक में उसके 2 पीसकीपर सैनिक भी घायल हुए जो IDF के मेरकावा टैंक से फायर किए गए गोले की चपेट में आ गए।